कैसा हो सत्संगी का जीवन। एज ग्रुप हैं, बचपन से शुरुआत करते हैं। बच्चा मां के गर्भ में होता है उसकी व्याख्या हमने एक दिन पूरी की है और उसका एपिसोड बन रहा है, वो साध संगत को मिलेगा या टीवी पे आया करेगा। तो उसके बाद की बात, बच्चा जन्म लेता है, सब लोग ध्यान से सुने, खाना मुंह से खाना है, हाथों ने कौर तोड़ के खिलानी है, कानों को फकीर की बात पे ध्यान दीजिए। बहनों बोलो ना, बार बार ना कहना पड़े, और लांगरी बहने ध्यान दो, कोई रह ना जाए, ये आपकी जिम्मेवारी है, आसपास कोई रहना नहीं चाहिए। तो बच्चा जब जन्म लेता है, जो भी डॉक्टर साहबान, मां बाप, कोई भी परिवार का मेंबर उनके पास है, बच्चा जब बाहर आता है मां के गर्भ से, तो आसपास वाले सुमन करते रहें ताकि उसको वही वातावरण मिले जो मां के गर्भ में मालिक से लिब लगी हुई थी। क्योंकि तो मां सुमन करे बहुत अच्छा है, पर कई बार बेहोशी की दवा देते हैं, ऑपरेशन वगैरह होता है, तो परिवार का कोई आदमी जो आसपास है वो सुमन करे, बच्चे के सामने वो जरूर रहे। और बच्चे को जब साफ करते हैं डॉक्टर साहबान, यहां तो बोला हुआ है कि सुमन करें, हम बाहर पता नहीं कैसे डॉक्टर हों, वो सफाई कर रहे हो तो कोई भी माता बहन पास खड़ी होके सुमन करती रहे। कोशिश करो बच्चा आंख खोले तो उसको आप सुमन करते ही दिखें, फिर कहना ही क्या है। बच्चा, हमारी ये कहावत है या कह लो रीत है, बच्चे को घूंटी दी जाती है, घूंटी पिलाई जाती है, ध्यान रखिए शहद ऑर्गेनिक हो, ऐसा शहद मत लाइए यहां मिलावट, चीनी मिला दी जाती है, बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक हो सके तो खुद आप कहीं से देखिए, खुद अपनी देखरेख में, अदरवाइज ऑर्गेनिक गुड़, गन्ने वगैरह होते हैं ऑर्गेनिक हो, उसका थोड़ा सा गुड़ ले लें, अपनी तर्जनी पे लगाइए, सुमन करते हुए, खास करके वो माता बहन या भाई परिवार का जिसका स्वभाव अच्छा हो, जो सुमन करने का पक्का हो, वो घूंटी दे मालिक का नाम लेके, तो ये दूसरा कदम है अच्छे संस्कारों की तरफ। अब उस बच्चे को डॉक्टर साहबान अगर कहते तंदुरुस्त है तो मां के पास लिटा दिया जाता है साथ में, और मां नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो होश में है, सुमन करती रहे, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे या साइड में हाथ रखे, मालिक का शुक्राना करती रहे, धन्यवाद करती रहे, और अच्छे अच्छी सोच रखे कि मेरा बेटा मालिक तेरी भक्ति वाला हो, नेक कर्म करने वाला हो, इसे अंदर बाहर कमी ना आने देना। अगर बेहोश है मां, बच्चे ने जन्म ले लिया, तो परिवार की कोई भी माता बहन यही काम करे, हाथ रखे, पास खड़े, सुमन करती रहो, यही दुआएं करती हुई लगातार सुमन करे, तो यह तीसरा कदम है अच्छे संस्कारों का। फिर मां को बच्चा दे दिया जाता है बिल्कुल पास, और मां का दूध बच्चे को पिलाने की कोशिश की जाती है, उस समय भी मां सुमरण करे कि मालिक
हे परमात्मा, इस बच्चे के अंदर दूध की जो पहली बूंद जाए वो दूध नहीं, हे मेरे वाहिगुरु, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, हे मेरे गॉड, उसे अमृत आबो हयात बना देना और इसको अपने चरणों की तरफ लगा लेना। साइंस को लगता होगा कि ऐसा कहने से या सुमिरन करने से क्या होता है, साइंस को एक दिन मानना पड़ेगा ऐसा करने से ही सब कुछ होता है। दुनिया में आने के बाद वो उसकी पहली खुराक है और उस खुराक से मालिक का नाम उसके अंदर जा रहा है। और इस तरह जब भी आप फीड दें, मां बच्चे को दूध देती है, फीड देना, तो बहनों या जो मां बनने वाले बहने हैं, आप सुमिरन करना ना भूले। और चीज भूलना है तो भूल जाना, पर बच्चा जब भी फीड ले आप एक हाथ से सिर सहलाते रहिए, सुमिरन करते रहिए और दुआएं करते रहिए, मालिक मेरा दूध ऐसा बना देना कि ये तेरे प्यार में रंग जाए, इसको बीमारी ना कोई आए, ये तंदुरुस्त रहे, इसके कर्मों का खात्मा कर देना मेरे मालिक, इसको भोगना ना पड़े, ये तेरी नन्ही सी कली है, इस पे रहमत रखना। ये चौथा स्टेप। और फिर बच्चे को कपड़े पहनाए जाते हैं, नाड़ुआ वगैरह काट के सफाई की जाती है। पुराने जो बुजुर्ग होते थे परमात्मा का नाम लेके, कोई भी कांच का बर्तन, आजकल आप डॉक्टरों से पूछ सकते हैं, हम भी पूछेंगे डॉक्टर साहबानों से कि वो जो नाड़ुआ होता है वो किस चीज में रखना चाहिए निशाने के तौर पे, अगर किसी को मालूम है तो वो डॉक्टर हमें जरूर बताइए, क्योंकि गरीब आदमी अपने घर में रहता है, हम उसको कह रहे हैं। अमीर तो डॉक्टरों को बुला सकता है, उनको दे सकता है, लेबोरेटरी में रख सकता है, पर उसको संभाल के रखा जाए तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और आज साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि फ्यूचर में अगर बच्चे को कोई भयानक बीमारी, मालिक करे ना करे ऐसा हो, पर हो जाए बीमारी, तो वो जो यहां से कटा हुआ नाड़ुआ है उससे उसका इलाज संभव हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, पर उसको संभाल के रखा कैसे जाए, देसी तरीका हो। हम जितने भी कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर साहबान बैठे हैं, या तो आप बता दीजिए या कोई जिम्मेवार फोन करके बता सकता है, पूछ के कैसे संभव है, हमें लिख के दे दीजिए जल्दी। तो ये एक पांचवा स्टेप है, जो आपने ले लिया तो समझो बच्चे की काफी सेफ्टी आपने खुद कर ली। वो नाड़ुआ ऐसी वैसी बात नहीं होती, कुदरत ने जो बनाया है ना, फालतू तो हो ही नहीं सकता। लोग उसको काट के फेंक देते हैं, ये तो फालतू, अरे अरे नहीं नहीं नहीं। अब डॉक्टर भी मानने लगे हैं बड़े बड़े कि अगर उसको संभालो तो लाइलाज रोगों में वो इलाज बन सकता है। तो प्यारी सास संगचियों, अब बच्चे की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। कई नए नए बाप बनते हैं, नई नई मां बनते हैं, और पत्रकार साहबान आए थे, उनको भी बड़ा पसंद आया, कहते गुरुजी आप इन टॉपिक पे बात जरूर किया करो। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि अब दिनचर्या क्या होनी चाहिए बच्चे की। बच्चा सोता कम है और जागता भी कम है, 2-3 घंटे सो गया, फिर जाग गया, फिर सो गया, फिर जाग गया, ज्यादातर वो सोया रहता है, ये नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं होती। बल्कि जब भी वो फीड ले तो मां वैसा करे, कई छोटे से बच्चे को नहलाते इतना रगड़ रगड़ के हैं, उनके हाथ घोड़े के खरखरे की तरह होते हैं, ऐसा मत करो। कोमल है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको अगर नहलाना भी है, बिल्कुल लूज हैंड से उसको नहलाएं, ऐसे ऐसे मत रगड़ो, उसके कोई मैल थोड़ी लगी, अभी तो गर्भ से बाहर आया है। कई बहनों को होता नहीं, सवार सवार के बत्तियां ला दें, बत्तियों की जगह चमड़ी उतार देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है,
ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लूज हैंड, सॉफ्ट, बिल्कुल हाथों से उसको अगर नहलाना पड़े नहलाइए, अदरवाइज कोई बहुत ही मलमलदा कपड़ा, पंजाबी कहा करते हैं, बिल्कुल नरम कपड़ा उसको भिगोएं, या कॉटन ऐसी हो जिसको उबालें पानी में कई बार, और उबालने के बाद निचोड़ उसी पानी से, फिल्टर्ड पानी हो उसको उबाल के उसमें भिगो के उस कॉटन से बच्चे को साफ कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं। पर साफ करते भी सुमरण करते रहिए, सुमरण सबसे बड़ा और अहम रोल अदा करता है। नहला दिया, कपड़े पहना दिए और उसको खुला छोड़ें। आजकल नई टेक्निक आ गई है, बच्चे को पहले क्या होता था, नरम सा कपड़ा खुला सा बांध देते थे, पंजाबी में पोतड़े कह देते, आजकल वो आ गया है क्या कहते हैं उसको, नैपकिन या क्या बोलते हैं उसको, किसी भाई को ही नहीं पता, क्या लाके नहीं देते क्या बच्चों को, जी 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 डायपर, डायपर और टाइट कर, दूसरे शब्दों में बोले डाल डायपर और टाइट कर, जो कि गलत है। हम ये नहीं कहते कि डायपर डालो ना, डालो, सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, अब जब आपके घर में बच्चा चारपाई पे लेटा है, आप डायपर डाल के उसको टाइट कर कर देते हो सारा, उसे खुला रहने दो, नेचुरल तरीके से जीने दो उसको, अभी नरम है, कली है, खुला सा कपड़ा बांध दो, अगर बांधना मक्खी मच्छर के लिए, और अगर वो गिल्ला कर देता तो जल्दी से बदलते भी रहो, ये ना हो कहीं एक डाल के भूल ही जाओ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर ये मेहनत आने वाले टाइम में रंग लाएगी जब वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो ये छेमा स्टेप हो गया, स्टेप बनाते जाओ। अब बच्चा अपने आप दूध लेने लगा है, तेजी से हाथ पांव चलाने लगा है, अच्छी बात है, पर बच्चे में कभी परिवर्तन आ जाता है, आप रोजाना देखो उसको, वो करता रहता है करता रहता है, अचानक बंद कर देता है, तो समझो कोई परेशानी जरूर है बच्चे को, आपकी वजह से हो सकती है, आपने जैसे ज्यादा रगड़ दिया हो, या वो गिल्लारा रैशिज हो सकते हैं। देसी सा तरीका होता है कि सरसों के तेल को हाथ पे डालो, पानी की कुछ बूंदें डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, रगड़ते रहो, पानी जो सरसों का तेल है वो सफेद रंग का होना शुरू हो जाएगा, उसमें पानी की बूंदें ऐड करते रहो, उसको रगड़ते रहो, बिल्कुल सफेद हो जाएगा, उसमें पानी डालोगे पानी निकल जाएगा, वो सफेद चीज हिलेगी नहीं। तो यहां बच्चे के रैशेज हुए हैं, आप उसे थोड़ा थोड़ा वो लगा सकते हैं, ये देसी मरहम है जो घर में बनाई जा सकती है, जिसपे एक पंजी नहीं लगती, आपके घर की मरहम है। आपको लग रहा होगा पिताजी तो दाई हैं, क्या करें, सब कुछ है, कोई शक नहीं, सब कुछ फकीर को होता है, जब वो मां भी है बाप भी है तो मां तो है ही है, 100% मां पहले बाप बाद में, जो फकीर होता है, तो वो रैशेज नहीं पड़ेंगे और बच्चा फिर से वही नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। कई बार हो सकता मां ने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो तो बच्चे के दूध में भी वो वैसे ही जाएगा, उसका असर हो जाता है। ज्यादा बायबादी वाली चीजें मत खाइए, ये सातवां स्टेप है, ज्यादा बायबादी जो करती हैं चीजें वो मत खाया करो, बहुत ज्यादा गर्म ना खाओ, बहुत ज्यादा ठंडा ना खाओ, मां के लिए खास करके, क्योंकि गर्म ठंडा खाने से आपकी बॉडी पे उतना असर नहीं होता, पर जो आप फीड देते हैं उससे आपकी उस नन्ही कली पे बहुत ज्यादा असर होता है। नॉर्मल भोजन, मां को बहुत परहेज और बंद के रहना पड़ता है, उस तरह का खाना खाइए, सात्विक हो, तलिया, ये तला हुआ जो होता है, ज्यादा मिर्ची वाला, तेज मसालों वाला, ये चीजें बिल्कुल अवॉइड, छोड़ दें, जाए ना इनके पास, घी दूध लें ज्यादा से ज्यादा, और खाना जो नॉर्मली आप खाते हैं, हरी सब्जियां खाएं, फाइबर ज्यादा आपके पेट में जाए, ऐसी चीजें ले, इसबगोल वगैरह लेते रहें, तो उससे क्या है, बच्चे का जो
शरीर है वो जल्दी विकसित होता है, कब्जी वगैरह नहीं होती और वो तंदुरुस्त रहता है। बच्चा बढ़ रहा है संस्कारों के साथ। तो अगला स्टेप आठवां ये होगा, या बच्चे की अच्छी देखभाल होने लगी है, पर जो भी परिवारजन उसके पास आते हैं, मां तो हमेशा पास रहती है, अब देखने वालों की भीड़ होती है, रिश्तेदार आ गई, ये बुआ जी आई है, ये फूफा जी आया है, ये मामा जी आया है, ये मामी जी आई, आना चाहिए, सारे ही आओ, हम नहीं रोकते कि उनको आने ना दो, पर आने से पहले गुनगुना पानी या गर्म पानी हो गांव में, और नहीं तो नीम के पत्ते उबाल के रखो उस पानी में, और जब वो बच्चे के कमरे में जाएं, दूर दराज से आए हैं, या तो वो नहा के जाएं या फिर हाथ पांव धो के मुंह धो के जाएं उस नीम वाले पानी से, ताकि बैक्टीरिया वायरस बच्चे के पास ना जाए। ये भी अति जरूरी है, नौवां स्टेप, कि आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, करना चाहिए, लेकिन किसी करने से बच्चे का प्यार बढ़ नहीं जाएगा। पता नहीं आपके मुंह में कितनी तरह की गैस गर्म होगी, नहीं गैस तो एक ही होगी, पर घबराइए मत, मतलब बच्चे के लिए तो कई तरह की होगी ना, बैक्टीरिया है, वायरस है, गर्म हवा है, वो सहन नहीं करता, आप किसी ले रहे हैं और उसकी मिस्सी हो रही है। वो कहते हैं मेरे साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं ये, और आपको लगते ना ना मेरा बेटा है, अरे तेरा ही रहेगा, दूसरे का पड़ोसी का तो होने से रहा। तो ये भी एक स्टेप है, दसवां या जो भी नंबर है, कि आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके मुंह में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो नन्ही सी कली के पास कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ये परहेज रखना जरूरी है। कई मुंह में उंगली डाल देते हैं, पता नहीं कहां कहां से वो लगाई होती है, और उसके मुंह में ले 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 लेके देख, लेके देखने को क्या कुल्फी है, उंगली है, क्यों उसको बेचारे को तंग करने पे लगे हो, प्यार कीजिए, दूर से भी कर सकते हैं। तो बच्चा बढ़ता जा रहा है और आप ये परहेज रख रहे हैं, यकीनन बहुत सी बीमारियां नहीं आएंगी आपके बच्चे को अगर आप ये इन बातों पे अमल करेंगे, और हो सके तो आने वाले जितने भी लोग हैं आए और बच्चे को, सत्संगी परिवारों की बात चल रही है, आके नारा जरूर लगाएं, कहीं वो भूल गया हो, माया के खिलौनों में उलझ रहा हो, नारा लगाते ही उसको मालिक याद आएगा और वो खुशी से फिर हर्षा जाएगा, महक जाएगा। तो ये ग्यारहवां स्टेप। तो प्यारी सत्संग जियो, यूं बच्चा बड़ा होता जा रहा है, फिर वो करवट बदलने लगता है, मां बहुत बड़ा गाइड होती है, बहुत बड़ा गुरु होती है अपने बच्चे का, तो उसको वो गाइड क्या करे, कि बच्चा जब थोड़ा कई दिनों का या महीनों का हो चला है तो उसको करवट खुद दिलाए, कोशिश करे इधर उधर इधर उधर, वैसे तो छोटे बच्चे को दिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक जगह लेटा रहता है तो उसकी स्किन इन्फेक्शन होने का डर रहता है, कभी उसको सीधा लिटाओ, कभी उसको टेढ़ा करो, कभी अपने छाती के ऊपर लिटा लो बाप या मां, तो ये भी एक स्टेप है, ये भी जरूरी है, उसकी पोजीशन बदलते रहना। फिर बच्चा उल्टा हो जाता है, कोई घबराने की बात नहीं होती, और फिर वो बैठने की कोशिश करने लगता है, कुछ बोलने लगता है, कई उसे कहते पापा बोल, और मां कहते नहीं मम्मा बोल, तो उसका बच जाता है ढोल, क्या बोलूं ना, वो पामा पामा करता ही रहते हैं बच्चे, हमने देखा है, क्योंकि दोनों चाहते कि मेरा नाम पहले ले, तो कितना अच्छा हो अगर वो मालिक या दाता या राम कहना सीख जाए, कमाल हो जाए। तो इस तरह ये संस्कार आप अपने बच्चों को देते रहें, मां कुछ भी खाना ले सुमण करके लेती रहे, तो यकीनन बच्चे जो होंगे जरूर अच्छे संस्कारों वाले होंगे। तो आज हमारा ख्याल है बच्चे को अपने लुटकने लगा देते हैं, चलने की बात बाद में करेंगे।
तो बच्चा जब लुढ़कना शुरू करता है, एक कहावत डाला करते थे, आपसे भी पूछ सकते हैं, दुनिया में एक जीव है खास करके इंडिया में पाए जाते हैं ऐसे, जिसके पहले चार पैर होते हैं, फिर दो होते हैं और फिर तीन हो जाते हैं। तो आपको पता ही है लगभग, नहीं पता तो वो है आदमी, भारतीय आदमी खास करके, जब लुढ़कता है तो चारों पे, जवान हो गया दो पे, बुढ़ापा हो गया हाथ में लाठी, तीन पैर हो गए। तो बच्चा, क्योंकि हमें ये कहावत हमने ही बनाई थी, ये एक पहेली बनाई थी बहुत पहले, तो हम पूछा करते थे यार दोस्त मित्रों से, आती नहीं थी, जब बता देते फिर कहते हैं ये तो अपने वाले ही बुजुर्ग हैं। तो बच्चा उल्टा होएगा तो नेचुरली उसके जो एक्सरसाइज है वो होती रहेगी, करवटें बदलते रहिए तो वो एक्टिव जल्दी होगा, हाथ पांव मारता मारने दो, क्योंकि बच्चा जितना हिलता है ऐसा करता है, कभी कभार रोता है तो भी कोई गड़बड़ नहीं, रोने से भी बच्चे का विकास होता है, उसकी आवाज, कंपन, बोलना सब विकसित होता है। तो ये अगला स्टेप है, इसे डरा ना करें। इससे नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि बच्चा उठना चाहता है, उसकी मदद कर दीजिए, सुमन करते रहिए, और जब लगे कि ये अब लुढ़कने लगेगा, कितना अच्छा हो कि आप जो गर्भ में टेप सुना करते थे शब्द या सत्संग, उसी टेप सत्संग को लगा दें सामने, या कोई फोटो अपने पीर फकीर की लगा दें, जो भी आपको ठीक लगे, बुजुर्गों की लगा दें अपने अच्छे नेक लोगों की, और वहां टेप रख दें, शब्दवाणी चले और वो उस फोटो की तरफ लुढ़क के आए, तो ये संस्कारों की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। वो उस आवाज को फॉलो कर रहा है, उस फोटो को फॉलो कर रहा है, और मां बाप जो पास बैठे देख रहे हैं, सुमन करके यही दुआ करें कि मालिक इसने चलना अभी शुरू किया ही है और ये आपकी तरफ आ रहा है, आखिर तक ऐसे ही इसके कदम राम नाम की तरफ चलते रहें, मालिक की भक्ति इबादत में आगे बढ़ते रहें। तो ये भी एक स्टेप है, ये संस्कार है। आप पूछते हो कैसे संस्कार देने चाहिए, हम जब ये पूरी व्याख्या आपको सुना देंगे, आज इतनी काफी, आगे लुढ़कने से शुरू करेंगे, याद करवाइएगा, तो फिर आगे की व्याख्या आगे आपको सुनाएंगे, पूरी व्याख्या आप सुन लें और उसके बाद कभी ये मत कहना कि संस्कार कैसे देने हैं, हमें लगता नहीं हमने कोई पॉइंट भी छोड़ा होगा। बच्चे को बुखार होता है, कई बार गर्म सर्द हो जाता है, ये आपकी लापरवाही से हो सकता है, कर्म रोग हो सकता है, तो गर्दन में भी आप हाथ लगा के देख सकते हैं उसको टेम्परेचर है कि नहीं, उल्टा हाथ यहां, कई बार माथा ठंडा हो जाता है, एसी वगैरह चलते हैं या ऐसा, तो ये गर्दन भी एक ऐसी जगह होती है, ये नाड़ियां हमारी जो जल्दी बता देती हैं कि भाई बच्चे का टेम्परेचर कैसा है, किस तरीके से जा रहा है। वैसे बहुत से यंत्र आ गए हैं, आप उनसे चेक कर सकते हैं, थर्मामीटर तरह तरह के आ गए, माथे पे लगने वाला, कान में डलने वाला, काक में लगने वाला, बहुत से हैं, लेकिन देसी सा तरीका यह भी है, अनुभवी आदमी अगर उसे चेक कर ले तो वो बता सकता है कि हाँ बच्चे को बुखार है, उसके हाव भाव चेंज होते हैं, उसका चेहरे का रंग चेंज हो जाता है। तो यह भी एक संस्कार है कि उस समय सुमन करते हुए कोई अच्छी सी दवा दें, तुलसी अगर माँ चाह में डाल के पीती रहती है, खास करके शाम तुलसी, काली तुलसी जब माँ पिए तो दूध में या चाय में दो चार पत्तियां डाल ले या पांच सात डाल ले मौसम के अनुसार, उसको हमेशा पिए डेली, तो बच्चे को नजला जुकाम नहीं होता और बुखार की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो वैसे तो हमारा काम आपको अगले जहान में ले जाने का है, लेकिन इस जहान में भी आपको सही बनाने का है ताकि आने वाली औलाद सही हो जाए। तो प्यारी सत्संग जियो, आप इन बातों पर अमल करके देखिएगा, यकीनन आपको फायदा होगा, आपकी औलाद का फायदा होगा, आपका फायदा हो ना हो हमारा फायदा जरूर होगा, क्योंकि वो बच्चे आपके नहीं हमारे हैं, हमें उनका ज्यादा फिक्र है कि वो नेक बने, अल्लाह वाहिगुरु से मिलें और इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में रहते हुए परमानंद अनामी की लज्जतें लेते रहें, खुशियों से माला माल होते रहें, उनकी जिंदगी में दुख ना आए।